नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था, अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके आगे करना क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पहले स्टार्ट किया था, इस क्रॉस में निकाल लेंगे, दिख यहाँ पर निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से अब हमें ये वाला थ्रेड जो है क्रॉस के पास, इसे हमें अपने नीडल पर उठा लेना है और यहाँ से हम यहाँ पे आएँ। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा कि थर्ड स्टेप में हमें करना क्या रहता है, एक सेमी सर्कल बनाना। तो बस इसी तरह से देखिए, अब बड़े वाले क्रॉस के बाद हम छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से आएँगे, यानी कि हर बार एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर हम यहाँ पर आएँगे और फिर ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से, बस हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है। यहाँ पे आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, ध्यान रखिएगा, बस आपको ये जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें इस थ्रेड के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पर उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला धागा हमें अपने नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह से देखिए, हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। जो ये मेरा नीचे का साइड है इस तरह से बनता जाएगा, बहुत इजी है। देखिए एक बार ये थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे हम, फिर यहाँ पे जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ और इस तरह से हमें इस थ्रेड के बीच से अपने नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है। इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल करिएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा और इसे बनाना भी आसान है। बस आपको स्टेप याद रखना है कि आपको कैसे, इस स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाते हैं तो आपको कहीं भी ये गलत नहीं होगा और ये बनने के बाद भी खूबसूरत लगेगा। तो बस इसी तरह से आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को एक एक करके, देखिए इस तरह से हम निकालते जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो चलिए इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ यहाँ, बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम बनाते जाएंगे। किसी भी सिंधी स्टिच के मेन पहला और दूसरा स्टेप ही होता है, अगर पहला और दूसरा स्टेप सही से बन जाता है तो तीसरा और चौथा स्टेप है जो वो बहुत ही आसानी से बनता है। आप देख ही सकते हैं, बस यहाँ से यहाँ हर क्रॉस के, जो मैंने यहाँ पर हल्का सा कपड़ा पकड़ा था, बस इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएँगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला धागा इसी तरह से हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हम इसे यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया। अब देखिए अब हम चौथा स्टेप कैसे करेंगे वो बताने जा रही। तो इसके लिए सेम इसी तरीके से आपको क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को इस तरह से निकालते जाना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पर उठा लेना है। फिर हम यहाँ पर आएँगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखे, क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको इस बॉक्स में चार धागा दिखेगा। तो जब चार धागा दिखेगा तो आपको इसी तरह से देखिए, पहला और ये जो तीसरा धागा इस बॉक्स में, इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे की ओर निकाल लेना है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पर, ये जो मेरा क्रॉस है
यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से, देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से चार धागा है। तो बस इसी तरीके से जैसा कि मैंने तीसरा स्टेप किया था, इसी तरीके से हमें चौथा स्टेप भी करना। बस ध्यान रखना कि जब चार धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना। तो अब इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे तो इस बीच बॉक्स में फिर से चार धागा हो गया है, तो आपको पहला और तीसरा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर सेकंड वाले क्रॉस के बीच से हमें निकालना है और पहला वाला धागा उठाना है, और फिर यहाँ से हमें इसी तरह से यहाँ पे आना है जैसा कि हम तीसरे स्टेप में किए थे। सेम इसी तरीके से हमें बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से भी इसी तरह से देखिए हमें इस धागे को क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। तो ये जो मेरा चौथा स्टेप है सिर्फ ये वाला राउंड बनेगा, और इसी तरीके से हमें ये वाला भी राउंड यहाँ पे बना लेना है। जैसा कि हमने दूसरे स्टेप में अलग अलग किया था, इसी तरह से मेरा ये चौथा स्टेप भी अलग अलग बनेगा। यहाँ पे देखिए निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा उठाएंगे, छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। बस इसी तरह से देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें चौथा स्टेप बना लेना है। जब भी चार धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। इसे हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पहला और जो ये तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से यहाँ पे आएंगे, वन बाय वन हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। देखिए इसी तरह से बहुत इजी है, बस इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसे बहुत सरल तरीके से आपको बताऊं कि आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ सके। आप इसके बीच में चाहे तो मिरर वर्क भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठाना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। बस चार धागा हो गया है यहाँ पे इस बॉक्स में। जब भी चार धागा हो जाए तो आपको याद रखना है कि पहला और तीसरा जो धागा है वो हमारे नीडल पे आएगा। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा वाला धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर यहाँ आएंगे। यहाँ भी पहला और ये तीसरा धागा हम उठा लेंगे। फिर इस तरह से देखिए अब हम यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया, तो यहाँ भी मेरा चौथा स्टेप कंप्लीट है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो अभी भी यहाँ पे मेरा एक एक थ्रेड जाना बाकी, इस बॉक्स में यहाँ यहाँ इस तरह से इन चारों में अभी मेरा एक स्टेप जाना बाकी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर का थ्रेड ले लिया है, और मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को इस क्रॉस के पास, ये जो मेरे दो धागे का क्रॉस है तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा था मैंने रेड कलर का धागा लिया, तो यहाँ पे इस तरह से ये पहला वाला धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से जो यहाँ पे ये क्रॉस है इस तरह से इस क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को
निकाल लिया, फिर से यहाँ पे चार धागा हो गया, तो यानी कि यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। और अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी चार धागा हो गया, तो हम पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पहला वाला धागा उठा लेंगे और इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो यहाँ भी चार धागा हो गया, तो हमें बस पहला और ये जो तीसरा धागा है, जब भी चार धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी चार धागा, तो पहला और तीसरा धागा हम नीडल पे उठा लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरीके से जो ये मेरा फर्स्ट एंड थर्ड है, जो मेरा ये पहला और तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो हमें इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर जिस अगर बॉक्स में चार धागा है तो हमें पहला और तीसरा उठाना और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ पे जो ये पहला और तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी चार धागा हो गया, तो बस हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला और तीसरा, बस आपको इस बॉक्स में पहला और तीसरा उठा लेना है। और बस ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इस कॉर्नर को भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकाल लेना है और बस यहाँ पे इस तरह से चार धागा है, तो हमें पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। चार धागा है तो यहाँ मैंने पहला उठा लिया और ये तीसरा उठा लिया है। बहुत ईजी है, बस चार धागा हो जाए तो बस आपको ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है, फिर यहाँ क्रॉस में ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ भी चार धागा हो गया, तो बस आपको पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी यहाँ पे तीन चार धागा है तो पहला और तीसरा हम उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे बनाया इसी तरीके से हमें एक एक करके इन सब को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ 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 इसके बीच में स्टोन भी लगा सकते हैं, ये आप पे है कि इसे आप अपने अनुसार मिरर स्टोन कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।